तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो के लिए मूवीज़ के लिए फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि एटो मोटिवेशन अपनी मूवीज़ की क्लिप कहाँ से डाउनलोड करते हैं और हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही हमारी वीडियो पर कॉपीराइट आने से हम कैसे बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एटो मोटिवेशन जैसी मूवीज़ क्लिप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों एटो मोटिवेशन जितने भी वीडियोस के लिए अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं, तो उस तरह के वीडियो डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूट्यूब एप्लीकेशन का। तो चलते हैं हम सीधा यूट्यूब एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर सर्च बार पर चले जाना है और यहाँ पर लिखना है मूवीज़ क्लिप। आपको मूवीज़ क्लिप या फ़नी क्लिप जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मूवीज़ क्लिप, आप जैसे यहाँ पे मूवीज़ क्लिप लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मूवीज़ क्लिप देखने को मिल जाएंगे। या आप किसी मूवी का मूवीज़ क्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ धमाल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है धमाल मूवीज़ क्लिप। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जैसे जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी मूवीज़ क्लिप यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ से आप मूवीज़ क्लिप उठा सकते हैं। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर जो वीडियो आ रहा है ये है 6 मिनट का और नीचे वाला है 30 मिनट का। तो आप इन वीडियो को डाउनलोड करके इनका जो क्लिप है उन्हें यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से कट कर सकते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पर एक ऑप्शन है शॉर्ट्स का, दोस्तों आप शॉर्ट्स में से भी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों कॉपीराइट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है, आपको यहाँ राइट साइड में ऊपर 3 लाइन दिख जाता है जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर फिल्टर पर चले जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटिव कॉमन पर, आपको इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जितने वीडियो मिलेंगे आप इन सभी वीडियोस को अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। 99% चांस है कि आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों दूसरा जो तरीका है, आपको यहाँ पे क्रिएटिव कमेंट पे जाना है, फिल्टर पे जाना है और इसे हटा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी वीडियोस मिलेंगे आप इन्हें भी अपनी वीडियो पर यूज़ करेंगे, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग अब बोलेंगे कि इन्हें यूज़ करेंगे तो हमारी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर जो भी वीडियो यूज़ करते हैं तो मिनिमम आप जो भी वीडियो यूज़ करने वाले हैं तो उसका जो भी पार्ट है आप 5 से 10 सेकंड का ही अपनी वीडियो में यूज़ करें, जिससे 99% चांस बढ़ जाते हैं आपकी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आने के। क्योंकि YouTube भी खुद कहता है कि आप जो भी वीडियो YouTube से डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं उसका 5 से 10 सेकेंड का क्लिप ही आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी उसकी ओनर की परमिशन के। तो आपके को 5 से 10 सेकंड का अगर कोई क्लिप आप यूज करते हैं बिना किसी ओनर की परमिशन के तो आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ये हमने भी काफ़ी सारी बार अपनी वीडियो में इस तरीके का क्लिप यूज़ किए हैं तो हमें भी किसी तरीके का कॉपीराइट नहीं आया। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर से ट्राई करें, फिर भी अगर आपको कोई तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे भी तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।